जय हिंद। आज हम बात करेंगे फोर मॉड्यूलर प्लेट के बारे में। दोस्तों ये जो आपको नॉर्मल इलेक्ट्रिक प्लेट दिख रही है रोमा कंपनी का फोर मॉड्यूलर प्लेट, दोस्तों इसके अंदर आपको एक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको मिल जाएगा एक नॉर्मल सॉकेट और दो स्विच मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि घर के अंदर अगर नॉर्मल फोर मॉड्यूलर बोर्ड अगर लगाना होना दोस्तों तो आप इसको डेफिनेट परचेज करें। दोस्तों ये जो बोर्ड रहता है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाथरूम के अंदर ना हम ज़्यादा से ज़्यादा ना नॉर्मल एक सॉकेट और स्विच रखते हैं और नॉर्मल एक लाइट का आप बोर्ड लग सकते हैं, नॉर्मल बेसिक लाइट का जो स्विच रहता है दोस्तों। ये जो आपको फोर मॉड्यूलर बोर्ड है ना आपको डेफिनेटली परचेज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना नॉर्मल आपको ना तब बाथरूम के अंदर आपको नॉर्मल शेविंग करना या फिर नॉर्मल तो उसके लिए आपको एक सेपरेट सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं रहती, आप इसके अंदर नॉर्मल बेसिक लगा सकते हैं। क्योंकि फोर मॉड्यूल जो है ना ये नॉर्मल बेसिक, इसका प्राइस मैं वीडियो के एंड में बताऊँ। सबसे पहले बात करेंगे इसे बेसिक सॉकेट के बारे में। इसके अंदर आपको ना सॉकेट, अगर आपको इसके अंदर 6 एम्पीयर सॉकेट लगाना तो आप 6 एम्पीयर सॉकेट लगा सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर 20 एम्पीयर सॉकेट लगाना तो आप इसको 20 एम्पीयर भी सॉकेट लगा सकते हैं। अगर आपको 20 एम्पीयर सॉकेट लगाना है दोस्तों तो सबसे पहले आपको 20 एम्पीयर का वायरिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंदर आपको 20 एम्पीयर सॉकेट लगाना है तो सबसे पहले आपको इसके अंदर 2.5 का एक फेस और एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग आपको कनेक्शन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि तो सिर्फ 20 एम्पीयर का जो बोर्ड रहता है दोस्तों उसके अंदर आपको सेपरेट कनेक्शन करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपको 6 एम्पीयर का सॉकेट चाहिए ना तो 6 एम्पीयर के लिए आपको नॉर्मल बेसिक जो हमारा वायरिंग रहता है फेस न्यूट्रल अर्थिंग वो भी 1.5 का आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर ये जो बोर्ड है ना दोस्तों अगर इसको लेना है तो आप इसको डेफिनेटली परचेस। इसका प्राइस अगर बात करोगे ना तो अगर आपने 6 एम्पीयर का सॉकेट ले लिया है तो 6 एम्पीयर का प्राइस आपको रहेगा आई थिंक मेरे रोमा कंपनी का ले लिया तो उसका प्राइस मेरे हिसाब से 50 रुपीज़ का होगा दोस्तों। अगर स्विच की बात करेंगे ना अगर आपने एंकर का प्रोडक्ट ले लिया तो मेरे हिसाब से स्विच का प्राइस आई थिंक 40 रुपीज़ का हो सकता है। एक स्विच सिंगल प्राइस में आपको 40 रुपीज़ हो सकता है। अगर बात करिए कंप्लीट प्लेट के बारे में तो प्लेट आपको ये कंप्लीट मेरे से 100 रुपीज़ में आपको दोस्तों ये आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं नॉर्मल बेसिक 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। अगर बात करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो ना कम से कम 200 रुपीज़ तक आपको कम्प्लीटली ये प्लेट आपको आ जाएगी। अगर आपको इसको कंसीट लगाना है दोस्तों तो इसके लिए आपको सेपरेट एक मेटल बॉक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेटल बॉक्स का सेपरेट है। क्योंकि फोर मॉडल का अगर आपको इसको मेटल बॉक्स चाहिए, अगर फोर मॉडल का मेटल बॉक्स लोगे ना तो मेरे हिसाब से उसका प्राइस आई थिंक 50 रुपीज़ तक आपको हो जाए कंप्लीट। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करूँगा ना, अगर अपनी बात करेंगे मेटल बॉक्स के बारे में, सबसे पहले आपको मेटल बॉक्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि मेटल बॉक्स लगाने से पहले आपको उसको अच्छी दीवार को अच्छे से कट करना पड़ेगा। कट करके उसके अंदर मेटल बॉक्स बिठाना पड़ेगा, उसके बाद में सीमेंट लगा के उसको अच्छी तरीके से पैक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्लेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसको प्लेट लगाना है तो सबसे पहले अगर बात करूँगी मेटल बॉक्स की तो मेटल बॉक्स का आपको कम से कम 50 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर बात करिए सॉकेट का तो सॉकेट हो जाएगा 50 रुपीज़। तो हम नॉर्मल सोच सकते हैं 100 रुपीज़ जो नॉर्मल मेटल बॉक्स और सॉकेट का हो जाएगा। उसके बाद ये 80 रुपीज़ आपको हो जाएगा दोनों स्विच का, मतलब एक स्विच का अगर बात करोगे ना तो एक स्विच का प्राइस 40 रुपीज़, तो दोनों स्विच का हो जाएगा आपको कम से कम 80 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट कितना प्राइस होता है। अगर आप मेरे हिसाब से कम 180 रुपीज़ तो कम से कम 300 रुपीज़ तक आपको दोस्तों ये कम्प्लीटली प्लेट पड़ जाएगी। क्योंकि अगर आप ये रोमा का प्रोडक्ट है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है, इससे कम का भी रेट में आपको आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको इससे कम का रेट भी चाहिए तो इससे कम का आई थिंक मेरे हिसाब से 15 रुपये का भी नॉर्मल बेसिक स्विच आता है, 15 रुपये का 20 रुपीज़ का भी दोस्तों वो भी स्विच अच्छा रहता है। आई थिंक एलमैक कंपनी का भी ले सकते हैं, उसका भी स्विच का आई थिंक रेट बहुत ही कम रहता है, पर ये रोमा थोड़ा एक्सपेंसिव है दोस्तों, इसकी वजह से मैंने आपको परचेज किया। क्योंकि ये जो बोर्ड है ना फोर मॉडल बोर्ड ज़्यादा से हम लोग बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कहाँ पे भी लगाना आप लगा सकते हैं। पर नॉर्मल बेसिक फोर मॉडल अगर बात करें इसके अंदर आपको नॉर्मल एक सॉकेट मिल जाएगा और दो स्विच। अगर आपको इसके अंदर फोर स्विच भी लगाने ना कंप्लीट, अगर आपको सॉकेट नहीं चाहिए तो इसके अंदर आपको चार स्विच भी लगाने, तो आप इसके अंदर चार स्विच भी लगा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है या फिर जो नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिशियन रहेगा उसके ऊपर। अगर चार स्विच लगाओगे ना तो इसके ऊपर आपको चार कनेक्शन कर सकते हैं, चार लाइट का ऐसा कनेक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। अगर फिर बाथरूम में लगाना है तो बाथरूम में सबसे पहले हम लोग शेविंग करने के लिए हम जाते हैं एक नॉर्मल जो ये रहता है ड्रिमर रहता है उसके लिए कनेक्शन चाहिए रहता है ना नॉर्मल बेसिक, तो उसके लिए सॉकेट लगाना आपको पड़ेगा। और उसके लिए आपको सॉकेट लगाओगे ना मेरे हिसाब से आपको 6 एम्पीयर का सॉकेट लगा सकते हो। उसके लिए आपको नॉर्मल बेसिक जो कनेक्शन रहेगा सर्किट का हमारा, सर्किट के लिए आपको नॉर्मल 1.5 का वायर यूज़ कर सकते हो, 1.5 न्यूट्रल यूज़ करना पड़ेगा, 1.5 और आपको फेस का न्यूट्रल, और अर्थिंग के लिए आप 1 mm का वायर यूज़ कर सकते हो। क्योंकि हैवी पॉइंट दोस्तों नहीं रहेगा दोस्तों मेरे हिसाब से। अगर आपको ये फोर मॉडल प्लेट लगाना है ना तो मेरे हिसाब से आप कंप्लीटली आपको 300 रुपीज़ का हो जाए। अगर आपने ओपन बॉक्स लगाया ना तो ओपन बॉक्स आई थिंक मेरे हिसाब से और आपको कम पड़ेगा, क्योंकि ओपन बॉक्स का प्राइस रहता है आई थिंक जो फ्री मॉडल ओपन बॉक्स का प्राइस बहुत ही कम रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर बात करें ओपन बॉक्स ना तो कम्प्लीटली आपको 250 तो हो जाए, आई थिंक 50 रुपीज़ आपको ले सकते हैं। अगर आपको ये फोर मॉडल बॉक्स लेना आप जो डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कम्प्लीटली आपको मॉड्यूलर बिठाना है ना ओपन बॉक्स और मॉड्यूलर बिठाना है तो 250 तो होगा। अगर आपने मेटल बॉक्स अगर लगाना है, अगर दीवार के अंदर आपको खाली नॉर्मल आपको प्लेट दिखनी चाहिए और बॉक्स आपको दीवार के अंदर जाए तो मेरे हिसाब से आपको 300 रुपीज़ तक दोस्तों होगा।
अगर दोस्तों लेना है डेफिनेट परचेस कर, क्योंकि ये फोर मॉडल कंप्लीट बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। खाली ये रोमा का प्रोडक्ट है, और रोमा का प्रोडक्ट जो रहता है बहुत एक्सपेंसिव मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि घर के लिए अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अगर वायरिंग आपका सही रहेगा, शॉकेट सही रहेगा दोस्तों, शॉर्ट होने का चांसेस 99% कम होते हैं दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है अगर घर के लिए अच्छा अगर काम कर रही, लेकिन आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि अगर सेफ्टी सही रहेगा तो अगर आप अच्छा क्वालिटी का वायर लगाए दें तो उतना प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी का स्विच रहेगा, अगर अच्छा क्वालिटी का वायर रहेगा तो शॉर्ट होने के चांसेस 99% बहुत कम हो सकते हैं। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल से इन्फॉर्मेशन वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।